हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स किचन बाय संगीता। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी आम की लौंजी। ये बहुत ही डिलीशियस टाइप की चटनी है जिससे हम अक्सर गर्मियों में घर पर बनाते ही रहते हैं। इसका टेस्ट बच्चों को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 kg रॉ मैंगो लेके पील कर लिया है। ये जो मैंगो है उसे हम अच्छी तरह वॉश करके ऐसे स्लाइस कर ली है। आपको जो शेप अच्छा लगे उसी शेप में आप आम को काट सकते हैं। स्लाइस करने के टाइम में आप आम के बीज को निकाल दीजिए। अभी साबुत मसाला के पास चलते हैं। 1 tablespoon जीरा ले लेंगे, 1 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon मीठी सीड, 1 teaspoon कलौंजी लेंगे, 1 teaspoon मस्टर्ड सीड्स, 1 teaspoon फेनल सीड्स, 1 teaspoon ब्लैक सॉल्ट लेंगे, 1 teaspoon रेगुलर सॉल्ट, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर लेंगे, 2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 teaspoon हींग लेंगे, 300 ग्राम जागरी लेंगे। यही चीज से हम आम के लौंजी बनाएंगे, खट्टी मीठी चटनी। एक पैन गरम कर लेंगे, उसी में हम 3 tablespoon मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। गरम तेल में हम साबुत मसाला डालेंगे। मीडियम हीट में 30-40 seconds सोते करेंगे। अभी हम मैंगो पीसेस ऐड करेंगे। अभी हम 2 मिनट आम को फ्राई करेंगे और अच्छी तरह मसाला के साथ मिला देंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैंगो अभी थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं। अभी हम पानी ऐड करेंगे। 1.5 cup वाटर ऐड करेंगे। पानी डालने के तुरंत बाद ही हम पाउडर मसाला डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी मैंगो को मसाला के साथ पकने देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा स्टिर करेंगे। आप ये मीठी चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी चटनी के उबल आने लगा है। अभी हम जगेरी ऐड करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो हाफ जगेरी और हाफ शुगर भी डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गुड़ को अभी मेल्ट होने देंगे। बीच बीच में आप स्टीयर करते रहे। गुड़ को अभी धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे और आम को भी धीरे धीरे सॉफ्ट होने देंगे। आम की ये लौंजी आप फ्रिज में टाइट कंटेनर में 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बार ये कंसिस्टेंसी चेक करके देखिए। इसी वक्त में हमें 1 tablespoon विनेगर ऐड करेंगे। ये चटनी लगभग रेडी है। इसी पॉइंट में अपने एक बार टेस्ट करके देखिए। आपको अगर रानी कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसी वक्त में आप हीट ऑफ कर दीजिए। कंसिस्टेंसी आप एक बार प्लेट में ऐसे लेकर देखिए। ज़्यादा रानी है तो आप हीट बढ़ा के 2 मिनट फिर से रख दीजिए। ये आम की लौंजी बिल्कुल रेडी है। आप ये पराठा पूरी राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं।
एक नई रेसिपी से आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए